बलहा विधायक सरोज सोनकर ने किया कारीकोट मेले का उद्घाटन। 10 दिनों तक चलेगा कारीकोट मेला। ठेकेदार प्रफुल्ल जायसवाल की पहल पर इस बार हुआ भव्य उद्घाटन। ग्राम सभा कारीकोट स्थित प्राचीन कालीकोट माता मंदिर पर लगने वाला वार्षिक मेला इस बार 7 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन बलहा विधायक सरोज सोनकर के द्वारा किया गया। इस मेले के ठेकेदार प्रफुल्ल जायसवाल व उनके साथियों द्वारा मेले का शुभारम्भ भव्य उद्घाटन के साथ करने की पहल की गई थी। मेले का उद्घाटन शाम 6 बजे बलहा विधायक सरोज सोनकर के द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल मौजूद रहे। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, इस बार मेले को व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान घूरे प्रसाद मौर्य, राजेश गुप्ता, केशवराम चौहान, अमित पांडे, विद्या प्रकाश, निखिल तिवारी, राहुल बाथम, संदीप पोड़वाल, इंद्रजीत सिंह, तरुण तिवारी, हरिशंकर तिवारी, विक्रम कुमार आदि मौजूद रहे। बहराइच से ब्यूरो चीफ मनमोहन तिवारी। ओम चंडिकाय नमः। और कोई है? मंडल महामंत्री छिपरिया, आज कारीकोट मेले का उद्घाटन किया है आपने, क्या संदेश देना चाहती हैं क्षेत्रवासियों को? अभी तक ये कारीकोट का मेला दूसरों को कब्जे में था। आज हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न मन से इस मेले को करा रहे हैं और बहुत खुश हैं, उत्साह है, इस क्षेत्र के लोग में उत्साह है। कारीकोट का जो मंदिर है ये एक शक्तिपीठ है, देवी की आस्था है, और ये 7 दिन का मेला चलता है। इस मेले में जो आता है और मंदिर का जो दर्शन करता है उसे उसकी मनोकामना के अनुसार देवी माता उसको आशीर्वाद देती है, और हम भी माता जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और अपने यहाँ की जनता को, मेले में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दुकानदारों को, दूर दूर से जो आए हैं उनको शुभकामना देती हूँ मेले की और हार्दिक।